आज मैंने अंडे नहीं खाए, मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। तो आप अंडे खा सकते हो वहाँ, मतलब इंडिया गेट में अंडे का क्या काम, हम मंदिर चढ़ना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइज देखो, जैसा कि मैंने शेयर किया था कि अगली वीडियो में शेयर करूँगा कि मेरा पब्लिक रिएक्शन कैसा रहा। और देखो यार, पब्लिक में जब आप शूट करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि लोग आपको देखते हैं अलग से, मतलब आप हाईलाइट होते हैं पब्लिक के अंदर, तो सारी पब्लिक एकदम आपको ही नोटिस करती है कि आप ऐसे ट्राईपॉड लेके कैमरा लेके शूट करें। तो काफ़ी थोड़ा बहुत अगर स्टार्टिंग है तो काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है पब्लिक के अंदर ऐसे शूट करते टाइम, बट यह है कि मज़ा बहुत आता है। और पब्लिक में शूट करने का देखो एक फ़ायदा तो होता है कि आप पब्लिक में शूट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, मतलब जो आपके अंदर नर्वसनेस है वो ख़त्म हो जाती है। और मैं ऑलरेडी एक दिन लेट हो चुका हूँ, मेरे को कल वीडियो डालनी थी, बट ये है कि थोड़ा मौसम ठंडेपन की वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, कोल्ड हो गया है मुझे, इसकी वजह से मैं कल शूट करने नहीं गया। तो कोई नहीं, आज हम जाएंगे इंडिया गेट, बाहर जाने वाले आज फिर से, और इवनिंग के टाइम में इंडिया गेट काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। तो गाइस यार अब निकला जाए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और जिनके साथ जाना है वो मेरा इंतज़ार करना है, 3-4 ओवर का कॉल आ चुका है। तो अभी जाएंगे उनके पास, जिनके पास हमें निकलना है इंडिया गेट के लिए, तो फिलहाल उनके पास जाना, तब तक के लिए मिलते हैं फिर। तो गाइस यार फाइनली हम इंडिया गेट पहुंच तो गए हैं, लेकिन फिलहाल बंद कर रखा है तो हमें काफ़ी ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है, और हमने सोचा था कि हमें इतना घूमना नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्होंने मेरे को परेशान कर दिया, घूमना पड़ रहा है। पर किस्मत में जितना घूमना लिखा होता ना उतना घूमना ही पड़ता है। भाई सब देख रहे हो ऐसे ना, फ़ोन छीन के भाग जाइए, देख रहे हो गाइस इतने सारे हैं उद्योग भवन। गाइस यार चलते चलते काफ़ी देर हो गई हमें, 20 मिनट से ज़्यादा हमें चलते चलते हो गया। क्या बोला वो, मैं इसको बोल रहा हूँ कहा कि नमस्ते ना, वो क्या बोल गया ऑटो वाला, वो पूछ रहा था जाने के लिए। अच्छा ऐसे बोला था, नहीं भाई हम तो इंडिया गेट नहीं दिख रहे थे, काफ़ी देर हो गया दोस्तों चलते चलते, और पता नहीं हमेशा हमेशा चलना क्यों पड़ता है। भला हमने सोचा है 3 नंबर गेट से निकलेंगे डायरेक्ट इंडिया गेट, मैंने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया है, मुझे ना पहले चलना पड़ रहा है बहुत, मतलब मैंने इसमें क्या बेवकूफ़ बनाया, आज मैंने अंडे नहीं खाए, मुझे पहले चलना पड़ रहा है। आप अंडे खा सकते हो वहाँ, मतलब इंडिया गेट में अंडे का क्या काम, हम मंदिर चढ़ना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, और मतलब अंडे को ट्रेंडिंग बना रखा है इन्होंने। हाँ लेकिन आज हमने कुछ नहीं खाया, आज हम भूखे हैं, देख रहे हो, मतलब अभी देखेंगे कुछ खाने को मिलेगा हमको वहाँ पे, तो कुछ अभी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया तो आज हम इंडिया गेट जा रहे हैं, जिस दिन खा लेते दिन मंदिर मंदिर मिलता है घूमने के लिए, क्या किस्मत है। काफ़ी देर हो गया चलते चलते यार, अभी देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे और कितना टाइम लगना है पहुँचने में। आप 3 नंबर गेट से ना निकले, अभी फिलहाल के लिए 3 नंबर गेट से ना निकले, क्या पता जब तक बनी जाए इनके टाइम तक बनी जाए, और जब तक नहीं बनेगा तब तक तो घूमना पड़ेगा। ऑटो ले लो ज़्यादा बेटर रहेगा, हम तो भाई चलने वाले बंदे से, हम ऑटो नहीं, हमने गलती करी ऑटो ना लेके वरना हमें चलना पड़ा है, वरना ऑटो हम ले लेते तो हम पहुँच जाते अब तक। तो अब दूर ही दूर चलते चलते हम लोग आ गए नेशनल म्यूजियम के पास, पर अभी तक हमारा इंडिया गेट नहीं आया, पता नहीं वो कितनी दूर बनवा रखा है, आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो नेशनल म्यूजियम आ चुका है, देख सकते इधर गाइस, ये देखो ये विज्ञान भवन है, इधर क्या इसके अंदर भी एंट्री बंद रखी है, फिलहाल सारी जगह बंद रखी है, और हमें चलते चलते कम से कम 1 घंटा होने वाला है। नहीं नहीं 1 घंटा क्यों होने वाला है, 15 मिनट में अभी, झूठ नहीं बोलो, नहीं 15 मिनट में अभी, हाँ ऐसे नहीं है, हमें चलते चलते 1 घंटा हो गया है, और हम 2 बार गेट से वापस घूम के आएंगे, दूसरे वाला गेट भी बंद है, वो भी गेट बंद कर रखा है, और सेकंड वाला भी बंद कर रखा है, और जो तीसरा गेट है उसमें जाके पता चलेगा कि इंडिया गेट खुला है कि नहीं खुला, फिलहाल तो वो कहते कि बंद है, लेकिन अपने तसल्ली के लिए एक बार फिर जाके देख के तो आएंगे ज़रूर कि बंद है कि नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिल रहा, एक भी दुकान नहीं है।
यहाँ खाने के लिए मैं बता दूँ कुछ नहीं, क्योंकि ये एरिया जो है सब यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप पटरी लगा सकते हैं। मुझे भूख लग रही है, बड़ी तेज भूख लग रही है। कोई नहीं, अभी देखते हैं आगे जाएंगे तो उसके बाद मिलता तो कुछ खाते हैं। मैं खाली पेट पैदल नहीं चल सकता, ऑटो कर देंगे। हेलो, आज किस्मत साथ नहीं हमारे तो ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं फ्रेंड, किस्मत के साथ है हमारे, पर हमने भी किस्मत की बात नहीं मानी। हाँ, हमने अपनी बात मानी, अपनी बात सुनी। फाइनली हम पहुंच गए इंडिया गेट, यहाँ के पंत मिला इंडिया गेट दिखा दूँ। पीछे इंडिया गेट हमारे लेकिन बंद पड़ा हुआ है, मतलब इतना चलने के बाद मतलब बंद मिल रहा है। और कम से कम 1 से 1.5 साल तक इंडिया गेट बंद रहेगा। अभी 1.5 साल तक अभी सुनने में आया कि बंद रहेगा, मतलब पूरा प्लान चौपट हो गया। तो यार आप लोग भी कभी आने की सोच रहे हो तो मत आना बिल्कुल भी, यहाँ पे आने का फ़ायदा नहीं है, बंद ही मिलेगा आपको यहाँ देखने के लिए कुछ मिलेगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही है, मूड तो ख़राब हो गया है, आगे शूट करने का मन है नहीं कुछ। तो यार बस आज के लिए बहुत है।